नागपुर में स्वास्थ्य विभाग मलेरिया और डेंगू के प्रकोप को रोकने में नाकाम दिखाई दे रहा है। नाकामी की वजह पड़ताल करने के लिए जब स्वराज एक्सप्रेस की टीम जिला मलेरिया और डेंगू नियंत्रण कार्यालय पहुंची तब चौंकाने देने वाले तथ्य सामने आए। इन बीमारियों को रोकने वाली दवा, लोगों को जागरूक करने वाले पंपलेट, गली मोहल्ले और नाली में छिड़काव करने वाले स्प्रे और लिक्विड दवा सब धूल खाते हुए कचरे के ढेर में पड़े हुए थे। इस मामले में अधिकारी ने उचित जवाब नहीं दिया तो वहीं सीएमएचओ ने अधिकारी के व्यवहार को आपत्तिजनक बताया। मलेरिया और डेंगू नियंत्रण कार्यालय का जायजा लिया स्वराज संवाददाता सत्या राजपूत ने। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के जिला मलेरिया कार्यालय में मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहां की स्थिति को आपको दिखाए, क्योंकि ये वो कार्यालय है जहां से मलेरिया को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन यहां स्थिति ऐसा है कि पूरा ऑफिस खंडर में तब्दील हो गए हैं और यहां पे अधिकारी कर्मचारी अक्सर गायब नजर आते हैं। तो अभी हम आपको ले जाते हैं ये जिला मलेरिया कार्यालय के यहां पे स्वास्थ्य विभाग के भंडारण केंद्र में किस तरह से दवा को रखा जाता है, इसका नजारा हम आपको दिखाते हैं। ये स्वास्थ्य विभाग का मलेरिया सेंटर है जहां पे इनकी दवा मलेरिया की है, इसको किस तरह से रखा गया है ये आप देख सकते हैं। ये दवा है, ये धूल खाते हुए पड़ी हुई है और ये बताया जा रहा है कि ये 2008 से यहाँ पर है। अगर ये अगर एक्सपायरी है तो इसको वापस क्यों नहीं की गई है, यहाँ पे क्यों रखा गया है। ये स्प्रे का सिरप है बता रहे हैं, जो डीटीटी के रूप में जो छिड़काव होता था नालियों में मोहल्लों में, तो ये अभी तक यहाँ पे बंडल के रूप में जमा हुआ है। इस पर उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब हम सब जानते हैं कि ये दवा होती है उसकी अपनी एक तासीर होती है, एक अलग तापमान में रखा जाता है, एक अलग मौसम होता है, लेकिन इसको कूड़े के भाव में यहाँ पे रख देना कितना उचित होगा ये देखने वाली बात है। आपको हम ये पूरे नजारा दिखाते हैं, ये पूरा स्टोर रूम है स्वास्थ्य विभाग मलेरिया का, यहाँ किस तरह से सभी चीज दवा से लेकर पॉम्पलेट किस तरह से ये अस्त व्यस्त पड़ी है। ये मलेरिया का जो बंडल है, मलेरिया डेंगू एवं पीलिया से बचाव कार्य के लिए जो ये लोगों के बीच में आना चाहिए, जागरूक करने के लिए पोस्टर छपाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो छापने वाले हैं उनको कमीशन खोरी के चक्कर में ये छापा गया होगा। अगर ज्यादा छापा गया हो तो क्यों छापी गई है इतनी सारी जो ये कैलेंडर जो है। लेकिन ये सवाल उठता है कि इस तरह से कार्य पद्धति से मलेरिया और डेंगू कैसे नियंत्रण होगा। राजधानी एक और मलेरिया और डेंगू से पीड़ित है, लेकिन जो इसके उपचार के लिए जो ये तमाम पोस्टर और ये जो वैक्सीन लाए जाते हैं वो धूल खाते पड़ी है, तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस तरह के जो रवैये देखने को मिल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग इसके लिए क्या कार्रवाई उठाई है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन श्याम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। और इसी साथ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।